गुलबर्गा शहर में स्ट्रीट वेंडर्स यानी थेला बंडी वालों के लिए कॉरपोरेशन कमिश्नर की जानिब से सोशल इकोनॉमिक सर्वे के नाम से अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए कॉरपोरेशन कमिश्नर तमाम थेला बंडी वालों को टाउन हॉल में जमा कर पीएम शिवानिधि स्कीम के तहत 10 से 50,000 रुपये के लोन और इनके बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन की सहूलत और दीगर ज़रूरत मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। कॉरपोरेशन कमिश्नर ने कहा, गुलबर्गा शहर में 100 के करीब नो पार्किंग जोन का आइडेंटिफाई किया गया है, जहां थेला बंडी रहने की वजह से ट्रैफिक जाम होता है और इसके अलावा तमाम थेला बंडी वालों के लिए एक वाइंडिंग जोन तैयार किया जा रहा है, जहां तमाम थेला बंडी वाले अच्छे से कारोबार कर सकते हैं। सो अभी हमारे टाउन हॉल में बीदी व्यापारी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अभी सोशो इकोनॉमिक सर्वे के लिए अभी प्रोग्राम चल रहा है, तो उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें लिया जाएगा और कैसे कैसे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें पीएम स्वनिधि करके एक स्कीम है, जिसमें हम लोग उनको लोन देते हैं अलग अलग स्टेप पे। 10,000 का लोन से शुरुआत करते हैं, 10,000 लोन का रिपे करने के बाद उसके बाद 20,000 देते हैं, तो उसके बाद 20,000 लोन रिपे कर दिया उसके बाद 50,000 का लोन देते हैं। तो ये एक हुआ, उसमें एक कंपोनेंट है। बाकी और सारी बहुत सारी स्कीम्स है जिसका हम अवेयरनेस ये प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं। उसके साथ साथ सोशल इकोनॉमिक सर्वे में उनका सोशल स्टेटस कैसा है, घर में कौन कौन है, बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, तो ये सब डेटा कलेक्ट करके उनके लिए और बाद में कैसे उनको डेवलपमेंट के लिए हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं करके उसके बाद प्लान करेंगे। गवर्नमेंट भी इसमें प्लान करेगी, उनके बच्चों के लिए अगर एजुकेशन नहीं होगा तो उनको अच्छा एजुकेशन कैसे मिलेगा, उनको अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। तो आज ये टाउन हॉल में चल रहा है और दो अलग अलग टाइम पे हम लोग ये प्रोग्राम लेंगे। और हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमारे कॉरपोरेशन के थ्रू और हम क्या क्या कर सकते हैं करके और प्लान करके उनके और बेनिफिट्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम देंगे ये ट्राई करेंगे। इसके लिए हम लोग वेंडिंग जोन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी दो वेंडिंग जोन्स भी आइडेंटिफाई कर लिए। तो शुरू शुरू में उनको भी थोड़ा डाउट होता है कि यहाँ से कैसे शिफ्ट होए, क्योंकि यहाँ पे तो उनको इनकम आता है, तो कोई भी हम लोगों को भी कोई घर शिफ्ट करना होगा तो भी हमको प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए उनको थोड़े मन में डाउट्स होते हैं। तो उनको अच्छे से काउंसिल वगैरह करके हम लोग उनको शिफ्ट करके अलग वेंडिंग जोन्स बना के, अगर एक जगह पे वेंडिंग जोन सब हमारे बीदी व्यापारी वहीं पे अगर रहेंगे तो अच्छे से हमारे कलबुर्गी के लोगों को भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हमको जो जो वो लोग उनके प्रोडक्ट्स है वो बेच सकते हैं करके लोगों को भी पता चलेगा। थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद मतलब वो उसके बाद हो गई, तो उसके लिए हम लोग उनको कन्विंस करने का ट्राई करेंगे और मे बी एक और दो महीने में आगे देखते हैं उनको अलग अलग जहाँ पे फॉर एग्जांपल रोड्स के आजू बाजू में रहते हैं तो इसलिए ट्रैफिक को थोड़ा समस्या होती है, तो हम लोग धीरे धीरे करके वो भी सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो 94 नो पार्किंग एरिया ना आइडेंटिफाई ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ವೆಂಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು 15-20 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನೇನು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಆಶೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. यहाँ पर कॉर्पोरेशन टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसका अनुमान था कि सोशल इकोनॉमिक सर्वे बोल के यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स जो कारोबार करते हैं गुलबर्गा में, जो उनका जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे है, जो उनके बारे में जो स्कीम है, जो जो उनको लाभ मिला है, जो जो नहीं मिला है, उसके बारे में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी. यहाँ पर क्या मालूम है, जो 8-10 जो स्कीम है जो भी स्ट्रीट वेंडर्स को मिली या नहीं मिली, उसको क्या हमारे में उनको पूरा तहकीकात करके उनको पूरा स्कीम के बारे में बताने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, कि यहाँ पर सब जने स्ट्रीट वेंडर्स आके यहाँ पर मीटिंग अटेंड करे हैं.
तो यहाँ पर मैं सभी स्ट्रीट वेंडर्स को इनवाइट करना चाहूँगा कि जो जो स्कीम आपकी मिलनी चाहिए वो यहाँ पर बता रहे हैं और सब कॉरपोरेशन जो नगर निगम है, नगर निगम की जो सहायता से क्या है मालूम है, सभी को स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर स्कीम का लाभ मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सभी इसका लाभ मिलने के लिए आइए और जो जो स्कीम जो आपको नहीं मिले, जैसा कि कोई पीएम स्वनिधि के जरिए से 10,000 का लोन मिल रहा है, 10,000 का लोन मिल रहा है सबको, 10,000 अगर आपको क्लियर करने के बाद 20,000 रुपये भी मिल रहे हैं आपको, आपको नगर निगम और पूरे गवर्नमेंट आपको सहायता कर रही है कि सब जने आके यहाँ पर क्या है इसका लाभ लीजिए। पीएम स्वनिधि के जरिए से स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का लोन मिल रहा है, इसमें दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि पेपर जो भी है कॉरपोरेशन में आके क्या है मालूम है, जैसा कि आपका आधार कार्ड है, जो स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस है, बस आपका पासबुक ला के आप एप्लीकेशन डाल के बैंक में जाइए, बिल्कुल आपको बिना दिक्कत के 10,000 रुपये मिल रही है, बिना श्योरिटी के 10,000 रुपये मिल रहा है। तो इससे अगर अच्छा अगर EMI से अगर कंटिन्यू एक साल का टाइम है उसका, एक साल में अगर भरेंगे तो तुमको लाइफ टाइम है ये, 10,000 के बाद 20,000 है, 20,000 के बाद 50,000 है, तो इसके में आपको क्या है मतलब बहुत लाभ मिल रहा है। तो आप कॉर्पोरेशन से रब्ता करिए, आप पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आपको सहूलत मिल रही है इसकी।